महेंद्रगढ़ के गांव दोगड़ा अहीर के स्टेडियम में जिला भाजपा द्वारा आयोजित विकसित भारत जन विश्वास रैली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, रैली संयोजक विधायक अभय सिंह, सांसद धर्मवीर सिंह व अटेली विधायक सीताराम यादव सहित अनेक भाजपा नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस जिला स्तरीय जनसभा के संयोजक नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। यही कारण है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। ये तभी संभव हो पाया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की और इसका लाभ आम जनता को मिला। इस रैली के मुख्य अतिथि हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि हरियाणा में भाजपा के बिना कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसभा मैंने पहली बार देखी है। जनसभा में पहुंची भीड़ को देखकर प्रदेश प्रभारी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि यहां का किसान मेहनती है, लगन वाला है और जब इस तरह का किसान साथ होता है तो उसकी जीत पक्की होती है। पूरे हरियाणा को आज इस जनसभा ने संदेश दिया कि केंद्र में हरियाणा सरकार से जनता खुश है। इस क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वह मेडिकल कॉलेज का काम रहा हो या फिर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का। यही नहीं बल्कि क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब का आना भी एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस रैली के आयोजक और नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह ने मांग की है कि क्षेत्र में इंडस्ट्री स्थापित की जाए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूंगा। विराजमान भारतीय जनता पार्टी के इस डोंगरा हीर के इस मैदान में ये हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे अभय सिंह यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र की बहुत मजबूत आवाज है, क्योंकि मुझे ध्यान में है जब मैं पिछली सरकार में विधायक था, मंत्री था, तब अभय यादव जी इस क्षेत्र की आवाज मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाते थे और उसका परिणाम है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन बातों को ध्यान पूर्वक सुन करके अंतिम टेल तक किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था ये पहली बार खड़ी की है और इसके अंदर ये बड़ा हाथ आदरणीय अभय सिंह यादव जी का है। भाइयों, सुबह 10 बजे से हम लोग बैठे हैं और आदरणीय प्रभारी जी हमारे बीच में बात रखने वाले हैं। मैं तो एक दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरियाणा की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, मैं देखता हूं कि पिछला 10 वर्ष का 2014 से पहले का अगर हम कार्यकाल देखें तो मात्र 1158 मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो ये पैसा पूर्व की सरकार ने दिया है और इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1100 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है ये मनोहर लाल जी की सरकार ने 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज ये मनोहर लाल जी ने बनाने का काम किया है। और हमें देखते हैं कि हरियाणा ये डोंगरा हिल का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने त्रिपुरा की पहाड़ियों में BJP का कमल खिलाया। त्रिपुरा के आप मुख्यमंत्री रहे, आज मेंबर पार्लियामेंट है हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय विपुल देव जी। एक नांगल के छोटे से गांव में, नारायणगढ़ में पैदा हुए, मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो मंडल के अध्यक्ष थे, MLA रहे, पिछली सरकार में मंत्री रहे, आज कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट है ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष नायब जी सैनी। एक बार जोरदार
तालियों से दोनों का आप स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव, हमारे लोकप्रिय विधायक में चाहे दोंगड़ा हीर को सरपंच हो, चाहे दोंगड़ा जाट को सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, जिला परिषद में चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार, जिला पार्षद देवेंद्र यादव, जिला पार्षद शमशेर यादव, जिला पार्षद बागोत को लीलाराम गुर्जर, जिला पार्षद कथेड़ा को अजीत सिंह तंवर, विक्रम देव जी आपने पहाड़ियों में कमल खिलाया है, हमने जाटी के नीचे कटीले झाड़ों में कमल का फूल खिलाया। आज हम सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने अपन विपुल देव जी जो सारी हिंदुस्तान की बीजेपी नरेंद्र मोदी के नक्शे जिगर है। भाई 2 मिनट राखो भाषण और मेरा इलाका है। आपने जो ये विशाल रैली की है, इस रैली को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे एक आवाज़ पर, मेरे एक निमंत्रण पर इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए। मैं गदगद हूँ और मैं लोगों के एहसान के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ। इस रैली के क्या संदेश दिया आपने जनता इतनी? ये रैली ये स्पष्ट संदेश दे के गई है कि जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता नाम नहीं चाहती, जनता बात नहीं चाहती। क्या इस रैली के माध्यम से आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा का संदेश? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रैली का मकसद लोगों को सिर्फ एक विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। जो आप बता रहे हो वो फैसले बहुत ऊपर के लेवल पे होते हैं और कोई भी रैली करने से कोई आदमी ये कहे कि मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर पार्टी आपको मौका देती है मैं चुनाव का, मैं ये कहता हूं कि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। मेरा इस रैली को लेकर इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था। आपने एक बात कही औद्योगिक एरिया को लेकर, आपने एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने की, उसके बारे में देखिए, मैं जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बड़ी यूनिट इस जिले में आ जाए, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। यहाँ हमारे पास सस्ती लेबर भी है, हमारे पास सस्ती ज़मीन भी है, हम नेशनल हाईवे के नेटवर्क पे 3 नेशनल हाईवे हमें कनेक्ट कर रहे हैं, हम रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर स्थित हैं, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब बन रहा है, सीधी कनेक्टिविटी सारी पोर्ट से हो रही है, तो हमारा हम बिल्कुल अनुकूल हैं। नेशनल कैपिटल से 135 किलोमीटर का डिस्टेंस को डिस्टेंस चांद में दक्षिण हर दिशा में मोदी जी ने काम किया और आज हमारे अभय सिंह जी ने और हमारे नायब सिंह सनी जी ने, सीताराम जी ने दिखा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के बिना हरियाणा में कुछ भी नहीं है और मैंने तो इतना बड़ा जनसभा इस एरिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ। मेरे एक साल के ऊपर हुआ है, मैं प्रदेश के प्रभारी हूँ। जिस तरीके से जनता ने एक सकारात्मक तरीके से सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में बैठे रहना बहुत बड़ी बात है भाई। हम तो आधा घंटा धूप में नहीं बैठ सकते हैं, जो सच्चाई में बता रहा हूँ। जो यहाँ का किसान जो मेहनती है, काम करना जानता है, लगन है, आज वो प्रमाण किया है। और ऐसे लगन वाले किसान जब साथ होता है, जनता जब साथ होता है, तब उसका जीत सुनिश्चित है। मैं विश्वास करता हूँ पूरे हरियाणा को आज इस भूमि से संदेश दिया है जो मोदी जी के साथ पूरा हरियाणा का जनता है, और मनोहरलाल खट्टर जी को भी संदेश दिया है जो आपके काम से संतुष्ट होके इतने बड़े मात्रा में लोग हमारे विधायक लोगों के साथ आए हैं। विकास के नाम पर आप देख रहे हैं कहीं लोगों का मन? देखिए, विकास हुआ है। हमारे विधायक जी ने, हमारे लक्ष्मण जी ने, आपने देखा होगा, अभय सिंह जी ने अपने भाषण में बोला है, मेडिकल कॉलेज से लेके पानी का, किसानों के पास पानी पहुंचाने से लेके रोड की व्यवस्था, किस नेशनल हाईवे, और उन्होंने एक डिमांड की जो इंडस्ट्री यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, एक उन्होंने सबके सामने, हमारे सामने रखा विषय। इस विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और बाकी इस एरिया के जनता जानते हैं जो यह डेवलपमेंट किसने किया है, कौन सी विधायक ने किया है, कौन सा एमपी ने किया है, तो इसीलिए जनता सब कुछ जानती है, जनता सर्वोपरि है। थैंक यू सर।